एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं जयसिंह शेखावत आप सबका स्वागत करता हूं। आइए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम किस तरह से कल एक्सपायरी के दिन ट्रेड बना सकते हैं और आज हफ्ते के लिए हमने क्या प्लान किया था। तो गाइस, मार्केट ने आपको न तो ऊपर के लेवल दिए न नीचे के लेवल दिए। नीचे की साइड में कोई डिस्कस करके गए नहीं थे। फर्दर अगर फर्स्ट कैंडल की अगर आप बात करो, वो नीचे की साइड ब्रेक नहीं हुई तो पुट की पोजिशन आपकी यहाँ से नेगलेक्ट हो गई। पुट में तो आपको यहाँ पे नहीं बैठना है, ठीक है। हाँ, उसने ऊपर वाला लेवल तोड़ा तो फिर भले ही आप निफ्टी के अंदर अगर किसी ने कॉल की पोजीशन बैठे हो तो डेफिनेटली यहाँ से आपने प्रॉफिट ऊपर की साइड की ट्रेड कॉल साइड की लेके बढ़िया प्रॉफिट बना सकते थे। अब है सिचुएशन बैंक निफ्टी। कल भी मैंने एक एनालिसिस डिस्कस की थी स्ट्रेटजी की, बॉक्स ट्रेडिंग जैसे ही ब्रेक होती है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का इसका हाई या लो टूटता है और एग्जैक्ट 43600 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। नीचे में फर्दर यहां से सेलिंग करेंगे तो जैसे ही 800 का लेवल टूटा, 5 मिनट के अंदर अगर किसी ने सेल करके अगर प्रॉफिट बुक कर लिया हो तो वो तो रहा होगा फायदेमंद। बाकी उसके बाद में मार्केट ने पुट की पोजीशन में कुछ नहीं दिया। और कल भी मैंने ये डिस्कस करके गया था कि मार्केट आपको एक छोटी सी रेंज के अंदर आपको काम करते हुए दिख सकती है। उसका रीजन क्या था? क्योंकि एक्सपायरी से पहले अगर आपका बड़ा मूव एक्सपेक्ट हो जाता है तो फिर आपको कुछ नेक्स्ट एक्सपायरी वाले दिन आपको कुछ खास मिलेगा नहीं। तो आज अगर देखें तो ऊपर के धीरे 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 मैं टेलीग्राम में भी दिख दिया था कि जो गैप डाउन की वजह से भाई अपन ने प्लानिंग क्या की थी कि 19 के यहाँ के आसपास मिलेगी तो हम सेल करेंगे, या फिर ज्यादा ज्यादा 19400 का लेवल ब्रेक होगा तो हम पुट की पोजिशन कहाँ तक बनाएंगे, 19300 तक। अब मार्केट का लो कहा है 19320। अब ये वाला लो भी मार्केट ने नहीं तोड़ा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला लो भी मार्केट ने नहीं तोड़ा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट यहां से बुलिश है। टेलीग्राम पे क्या लिखा था, निफ्टी ने प्रीवियस आपका जो लो था ये करीबन 260-265 के आसपास का या 270 के आसपास का था, ये वाला लेवल भी नहीं तोड़ा है, तो इसका मतलब है निफ्टी ज्यादा बुलिश है। इवन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के हिसाब से उन दोनों ने प्रीवियस आपके सारे के सारे लेवल तोड़ दिए थे, ठीक है। और आप ओवरऑल अगर आप देखते हो तो मार्केट कहाँ है, मैंने क्या कहा था कि फील्डिंग जचा दी होगी, ये चीज भी अगर कल ध्यान से सुनी होगी तो 19400 की कॉल और 19400-19500 की कॉल सेल हो चुकी है, और जैसे ही मार्केट आज नीचे आया पुट भी सेल हो गई, 19300 की पुट भी सेल हो गई। तो मार्केट की क्या, जब ऊपर के लेवल सेलिंग में आ जाते हैं और नीचे के लेवल सेलिंग में, तो एक रेंज के अंदर मार्केट आ जाती है। और आज भी अगर देखो तो मार्केट कहाँ है, ये यहाँ से कल की अगर मार्केट की बात करें, यहाँ से बंद हुई, यहाँ खुली, यहाँ नीचे आया, फिर वापस वहीं के आसपास बंद हुई, मतलब पूरा का पूरा दिन इसने टाइम पास किया। तो आज की भी कहाँ है, यहाँ पे बंद हुई, नियरली वहीं के आसपास बंद होने की तैयारी है, ठीक है। तो मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट वही है, लेकिन अपन इंट्राडे के अंदर क्या है कि अपन फंस रहे हैं। और आज का तो ट्रेडिंग का माहौल नहीं था, इग्नोरेबल थी फुल ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि आपकी 15 अगस्त की जो छुट्टी थी वो टाइम देके कब कराएगा, वो भी तो करवानी है उसको, एक दिन का वो एडजस्टमेंट करना है तो वो भी करना है। तो उस वजह से पूरा का पूरा दिन इसी के अंदर आपने सबने ट्रैप, कोई कॉल ली कभी पुट ली, उसके अंदर ट्रैप होते रहे। तो कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, बड़ा गैप अप अगर होता है 19500 के ऊपर तो हम एक बाय की पोजीशन में बैठ सकते हैं 19600 के आसपास, और अगर फ्लैट खुल के निकलती है तो भी हम बाय करेंगे तो 19510 या 25 के ऊपर, 19525 के ऊपर अगर निकलेगी तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे सेलिंग ही देखेंगे। अगर यहाँ से रिजेक्ट होगी तो नीचे के टारगेट आपके 19400 तक, ज्यादा बड़ी मूव कल भी नहीं दिख सकती, 19400 या 19320 ये जो आज का लो है यहाँ तक। तो अब ओवरऑल अगर आप देखते हो तो निफ्टी ने क्या किया है कि एक रेंज बना के ये देखो सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे आई, यहाँ टच हुआ, यहाँ टच हुआ, ये अब पॉजिटिवनेस की तरफ जा रही है। ये वाली ये जो रिजेक्शन पॉइंट है यहाँ से अब ये ट्राइंगल बन सकता है इस तरह से, और ट्राइंगल बन के किधर बड़ा ब्रेकआउट आएगा उधर की साइड अपन को बैठना है, ओवरऑल तो ये है। और अगर इसी रेंज में अगर एक्सपायरी हो जाती है तो यहाँ पे हम सेल करेंगे और इस ट्रेंड लाइन के पास में सेलिंग ज्यादा से ज्यादा 19350 तक देख सकते हैं, और अगर 19350 के आसपास मिलेगी तो 19300 के एसएल के साथ में अगर गैप डाउन भी मिलता है तो 19300 के एसएल के साथ में बाय की पोजीशन में ऊपर में टारगेट 19400 के लिए बैठ सकते हैं।
फ्लैट खुल के नीचे आती है तो 19400 के नीचे पुट की पोजीशन बना सकते हैं। नीचे में कहाँ तक, 19300, 19350, बस ज्यादा से ज्यादा 170 70 80 पॉइंट के लिए 19320 तक। अगर नीचे आती है तो 19400 के नीचे ही कोई पुट की पोजीशन में बैठेंगे। नीचे में कहाँ तक, 19350, 19320, बस ये दो टारगेट के लिए निफ्टी में। और अगर गैप डाउन खुलेगा तो अगेन आज की जो स्ट्रेटेजी इसने अपनाई है, कल भी अपनाई है, तो हो सकता है कल अगर बड़ा गैप डाउन मिलता है तो हम देखेंगे कल पिछली कैंडल का लो अगर तोड़ेगा तो ही हम फर्दर पुट की साइड बैठेंगे। और जैसे मान लो ये वाली बॉक्स ट्रेडिंग अगर होती है तो उसके अंदर हम एंट्री करेंगे, उस हिसाब से करेंगे, वेट करके एंट्री करेंगे। क्योंकि अगर खुलते ही अगर आपको टाइम से मिल गया तो कुछ नहीं है, एक कैंडल के अंदर अगर आप एंट्री करी निकल गए तो बढ़िया, वेल एंड गुड, आप लोगों के लिए तालियां। अगर नहीं कर पाए और फंस गए तो फंसे रह जाओगे, और कल है एक्सपायरी, ठीक है। तो और गैप अप की है, 19520 के ऊपर ही कोई बाय की पोजीशन में बैठेंगे, 19520 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही बैठेंगे, और अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो सेलिंग की तरफ प्लान कर लेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये करीबन 50% का आ रहा है, फिबोनाची से अपन ने कल डिस्कस किया था, तो 50% का ये वाला आ रहा है, और करीबन ये वाला जो पॉइंट आएगा करीबन 62% 61% का आसपास का आ जाएगा। तो यहाँ से फिर हो सकता है आपका ट्रेंड चेंज हो जाए। तो हो सकता है मार्केट अगर आप देखोगे तो ये क्या किया, एक बुलिश पैटर्न बना रही है, या फिर एक यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, ये यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बन सकता है। तो ये वाली से भी मतलब 19400 के नीचे हम एक पुट की पोजीशन के लिए बैठ सकते हैं, एम पैटर्न बन सकता है कहाँ तक, ये ज्यादा से ज्यादा 19260 तक, लेकिन हमारा प्रॉफिट यहाँ पे ही बुक कर लेंगे। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखते हो, हाँ बैंक निफ्टी थोड़ी नीचे है, थोड़ी डाउन है, लेकिन 19643 600 के आसपास का एक शानदार सपोर्ट था। प्रीवियस ये मेरी लाइन कैंडल्स बनाई हुई है, एग्जैक्ट वहां से इसने सपोर्ट लिया। और अगर आप सही तरीके से अगर इसको देखोगे तो ये बियरिश फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ नीचे आ रहा है। कल का जो क्या था कि एक ये यहाँ पे बियरिश फ्लैग पैटर्न बन गया, लेकिन गैप डाउन से खुल रहा है। अगेन क्या था, ये यहाँ पे एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बन गया, ये पोल बन गया, ये बनाता हुआ नीचे आता जा रहा है, और अभी जस्ट ये एक नेगेटिव की तरफ बैंक निफ्टी गया है। तो कॉल की पोजीशन में डेफिनेटली ऊपर की साइड में ही बैठेंगे, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। हाँ डाउन साइड में अगर मिलेगा 19643 600 के आसपास तो हम एक बाय की पोजीशन में बैठ सकते हैं। ऊपर के टारगेट आपके 43600 से ऊपर की साइड में 43800 और 43950, ये दो टारगेट के लिए। एसएल फिर रह जाएगा 43550, 43550 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी, इमीडिएटली पुट की साइड में 43300 तक के लिए एक पोजीशन में नीचे की साइड बैठ सकते हैं। अब सिचुएशन बाय ऊपर की साइड, ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ तक करीबन 44200 के आसपास मिलेगा, या 44180 के आसपास भी, 44200 के आसपास भी मिलेगा तो ही सेलिंग का ही प्लान करेंगे। गैप अप अगर यहाँ खुलता है तो वेट करेंगे, देखेंगे, अगर रिजेक्ट हो रहा है तो सेल करेंगे। क्योंकि गेन, मैंने एक मैसेज लिखा था कि गैप, बड़े गैप अप और गैप डाउन के बाद में गेन खत्म हो जाता है। मार्केट में गेन क्या रहता है कि भाई जैसे समस्या क्या रहती है, जो पुट कैरी करके गए वो प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। अब ये इसका आज का लो ही इसने नहीं तोड़ा तो पुट का तो सवाल ही नहीं था कि फर्दर हम पुट की साइड बैठेंगे। हाँ पुट का अगर ये लो तोड़ के नीचे फर्दर ट्रेल चलता चलने शुरू होता तो फिर डेफिनेटली हम एक पुट की पोजीशन में बैठ सकते थे, लेकिन बाय की पोजीशन में आपका एसएल दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर में बैठ गए। जैसे ही इसने क्लोज की, इसके ऊपर ये वाला एसएल या यहाँ पे ये वाला एसएल शिफ्ट कर लिया, भाई ये इसके नीचे जाएगी तो हमारा प्लान हो गया कि भाई ये वाला हम एग्जिट कर देंगे, या फिर 4 कैंडल 5 कैंडल हमने देख ली, इसने इसको ब्रेक कर दिया, इवन इसको भी ब्रेक कर दिया तो हम एक कॉल की पोजीशन में। एसएल कहाँ, यहाँ, लेकिन टाइम डीके की वजह से बैंक निफ्टी में भी कुछ खास मिला नहीं होगा, ठीक है। तो बाय की पोजीशन गैप अप होगा 44300 के आसपास या 250 के आसपास, यहाँ पे रिजेक्ट होगा तो सेल, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो बाय में 200 पॉइंट ऊपर की साइड के लिए, और फर्दर हम एक कॉल की साइड में बैठ सकते हैं। अब है सिचुएशन फ्लैट खुलता है और 43800 का लेवल तोड़ता है तो हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे 43600 तक 200 पॉइंट की, ठीक है। और अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है 44000 के लिए, एक रिस्की ट्रेड है, यहाँ से आप 44250 200 तक 300 तक एक ऊपर की साइड में कॉल ले सकते हो, 50 50 पॉइंट का यहाँ पे एसएल रहेगा,
और यहाँ अगर रिजेक्ट होगा तो 50 पॉइंट का एसएल रहेगा। और कल हीरो जीरो ट्रेड जरूर आएगी टेलीग्राम में, और कोई इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली टेलीग्राम के अंदर जुड़ सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा गाइस, लाइक जरूर करा करें। लाइक से हम लोगों का भी मोटिवेशन बढ़ता है कि भाई हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के ला रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें भी तो कुछ मोटिवेशनल ही, यानी कि एक लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।